गाइस, काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और ये वीडियो ना आने के काफी सारे रीजन हैं, पर मैं रीजन बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रेडमी नोट 9 में हमें MIUI 12.5.6.0 का लास्ट अपडेट इंडिया में देखने को मिला था। और गाइस, इस अपडेट को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है और आपका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 जून का है और एंड्रॉयड वर्जन है वो भी अभी सिर्फ एंड्रॉयड 11 ही है और इसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है। क्योंकि यार जो MIUI 13 का अपडेट जो कि ग्लोबल में इससे पहले रिलीज हुआ था उसमें यार काफी सारे बग्स देखने को मिले थे, जिसका कि वर्जन था 13.0.1.0। पर गाइस, अभी एक गुड न्यूज आपके लिए देखने को मिली है, जो कि है MIUI 13 का अपडेट ग्लोबल में वापस से रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है MI पायलट यूजर के लिए, जिसका कि वर्जन है MIUI 13.0.2.0 SJO MIXM, जैसा कि आप देख सकते हो। और गाइस, इसका जो यहां पे साइज है वो है 937 MB का, पर अभी सिर्फ ये ग्लोबल में रिलीज हुआ है SJO MIXM और इसमें काफी सारे आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर ये जब इंडिया में आएगा तभी आपको ये पता चलेगा इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। और उससे पहले आपको एक छोटी सी याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर से कर देना, क्योंकि सिर्फ 120 या 130 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, उसके बाद यार हमारे 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आप में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, 50K होने के बाद काफी मजा आएगा, काफी अच्छी फीलिंग आती है। आपको भी ये पता ही होगा एक क्रिएटर होने के नाते 50K का मतलब क्या होता है। और गाइस, आप देख सकते हो इसमें जो यहाँ पे चेंज लॉग मेंशन है वो है MIUI Android 12 बेस्ड, यहाँ पे जो स्टेबल अपडेट है वो Android 12 बेस्ड होने वाला है, मतलब Android 12 का भी आपको अपडेट साथ में देखने को मिलेगा MIUI 13 के साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है Android सिक्योरिटी पैच सितंबर का हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अभी नवंबर आ चुका है पर सितंबर का ज्यादा पुराना नहीं है, तो सितंबर का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। और भी कुछ यहाँ पे फीचर्स मेंशन है, देख सकते हो काफी सारे लोगों को ग्लोबल में अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है पर इंडिया में ये वाला जो अपडेट है अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया में अपडेट आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो यार जो इंडिया में आपको अपडेट देखने को मिलता है वो ग्लोबल के 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी जो अपडेट है 25 अक्टूबर को यहां पे ग्लोबल में आया था और आज जो डेट है वो है 1 नवंबर, तो आप मान सकते हो 10 या 15 दिन, मतलब 10 नवंबर के आसपास आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। या तो ये अपडेट आपको कल भी देखने को मिल सकता है, पर 10 दिन के अंदर अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाना चाहिए विद एंड्रॉइड 12 विद यहां पे जो सितंबर का सिक्योरिटी पैच है उसके साथ। तो यार आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।